नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मिशन 2030 के तहत मुख्यमंत्री आज कर रहे हैं ज्वेलर्स, रत्न विक्रेताओं और कारीगरों से संवाद। सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा विजन 2030 दस्तावेज। राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव पार्टनर्स के साथ हुई बैठक। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा REI पार्टनर्स अपना दायरा बढ़ाकर दूसरे क्षेत्रों में विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की सोच से करेगा। प्रदेश के 86 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत। 1118 नए पदों का होगा सृजन। राजस्थान को साल 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत संकल्पित हैं। राजस्थान मिशन 2030 के तहत जयपुर के बड़ला सभागार में मुख्यमंत्री आज ज्वेलर्स, रत्न विक्रेताओं और कारीगरों से संवाद कर रहे हैं। इसमें हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर विजन 2030 दस्तावेज तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी हितधारकों से मिशन 2030 के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के साथ अलग अलग MOU के तहत प्रदेश में स्कूली शिक्षा में टीचर्स ट्रेनिंग, बालिका शिक्षा, लीडरशिप विकास और डिजिटल शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम कर रही सहयोगी संस्थाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान ने कहा कि राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव के तहत प्रदेश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे सभी पार्टनर्स अपना दायरा बढ़ाकर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में अधिक से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों को अपनी विशेषज्ञता से लाभान्वित करने की सोच के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि REI पार्टनर्स जिन जिलों में काम कर रहे हैं वहां सामुदायिक सहभागिता के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र में अपने कार्यक्रमों का आयोजन करें। इससे सभी कार्यक्रमों की लोगों तक पहुंच में इजाफा होगा और उनके लक्ष्यों की पूर्ति में आसानी होगी। राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 86 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी है। उन्होंने इन विद्यालयों के लिए 1118 विभिन्न पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार की योजनाओं की बदौलत आज प्रदेश में हर वर्ग को महंगाई की मार से राहत मिल रही है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, अन्नपूर्णा फूड पैकेट जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए आम आदमी की जेब का भार कम हुआ है। आप भी देखिए कैसे आमजन को मिल रहा है योजनाओं का लाभ और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में लगातार तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है राजस्थान। और सुना, काम धंधा कैसा है? कैसा है तेरा परदेश? मत पूछ भाई, बस दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता है। तू अपनी बता भाई। अब हमें तो दाल रोटी की चिंता बिल्कुल नहीं है। क्यों? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इसका बंदोबस्त कर दिया है। अच्छा? हाँ, सिर्फ राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में हर महीने आटा, दाल, तेल, मसाले सब मुफ्त मिलते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी। अरे वाह भाभी, आप तो बड़ी जल्दी चाय बना लाए। अच्छा, वो चूल्हा हुआ करता था आंगन में, दिख नहीं रहा, पीछे कर लिया क्या चूल्हा? नहीं भाई साहब, लकड़ी वाले चूल्हे से तो पीछे ही छुड़ा दिया हमारी राजस्थान सरकार ने। राजस्थान में सबसे सस्ता गैस सिलेंडर मिलता है सिर्फ 500 रुपए में। सिर्फ 500 रुपए में? सुनो जी, मैं अभी वो सुशीला के घर जाके आती हूँ। चल, अपन भी गाँव का चक्कर लगा के आते हैं। लेकिन यार देवू, हाँ? इतनी महंगाई में भी तूने भाभी को अलग से स्मार्टफोन दिला दिया। मैंने नहीं, ये भी राजस्थान सरकार ने दिया है। अच्छा? हाँ, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत राजस्थान के घर की महिला मुखिया को स्मार्टफोन फ्री में दिए जा रहे। ये भी? हाँ, ये भी। ये तो सिर्फ राजस्थान में ही हो रहा है। अरे रुकेगा नहीं, अब ये रुकने वाला नहीं है। राजस्थान की प्रगति की गति होगी अब 10 गुना और मेरा राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बन के रहेगा। सिर्फ राजस्थान में देश में सबसे सस्ता 500 रुपए का सिलेंडर। सिर्फ राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट। सिर्फ राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। और अब होगी 10 गुना तरक्की सिर्फ राजस्थान में।
राजस्थान सरकार महिला सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और कई कारगर कदम भी उठा रही है। इन्हीं में से एक है महिला सुरक्षा आत्मरक्षा योजना। किसी प्रकार की आपात स्थिति में सुरक्षा सखी प्रभावित महिला की मदद करती है और संबंधित पुलिस थाने में सूचित कर कानूनी कार्यवाही में भी पीड़ित महिला की सहायता करती है। 17,000 से ज्यादा सुरक्षा सखियां कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से प्रभावी भूमिका निभा रही हैं और इसके साथ ही महिला सुरक्षा आत्मरक्षा योजना के तहत अब तक 2,31,000 से ज्यादा महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। नारी खुलकर रखे अपनी बात, सुरक्षा सखी है आपके साथ। बरसों से जो न हुआ वो अब कर दिखाया, सुरक्षा सखी ने ऐसा एक संवाद सेतु है बनाया। अभिनव अनोखी पहल ने दिखाई नई राह, महिलाओं की समस्याओं को समाधान तक पहुंचाया। राजस्थान सरकार की पहल है सुरक्षा सखी, जिसकी 26 मार्च 2021 से हुई शुरुआत। महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा हुई पुख्ता, वे बिना हिचक कहने लगी मन की बात। नारी जाने कानूनों को, हो अधिकारों की भी जानकारी, सुरक्षा सखी ने निभाई इसकी भी जिम्मेदारी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये ब्रेक। माँ कैसे निकल गई थी अकेले सफर पे, अनजान शहर की अनजान डगर पे, तो माँ की तरह मैं भी राजस्थान निकल गई, खोजने वो जादू की दुनिया जो सामने थी खड़ी। राजस्थान का सफर जैसे आंखों में खुलती कोई जादू की डगर, रंग धूप सपने सब लगते हैं अपने, राजस्थान लगे कुछ अपना सा। आज विश्व पर्यटन दिवस है। हर साल की तरह इस साल भी पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर जयपुर समेत प्रदेश भर के सभी स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। स्मारकों पर पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों का स्वागत सत्कार मालाओं और तिलक लगाकर किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कर राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाया जा रहा है, ताकि प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। पर्यटकों को राजस्थानी लोक संस्कृति से रूबरू कराने के लिए इन स्मारकों पर लोक कलाकार कच्ची घोड़ी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, बहरूपिया स्वांग, शहनाई वादन सहित मनमोहक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में होते बुलंद राजस्थान की तस्वीर। राजस्थान अपनों का, राजस्थान मिशन 2030 के सपनों का राजस्थान। देश को जग में जगमगाना है, ये हर जुबान का हर जन का गाना है। राजस्थान को हमने बुलंद बनाना है, 10 गुना तेज गति से चलाना है। ये हमने ठाना है, ये हमने ठाना है, ये राजस्थान है अपना। तो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।